अगर इंडिया में ऐसे ट्रांसपेरेंट टॉयलेट्स बनाए जाए तो क्या आप जाना चाहोगे? अमेरिका की पहली फीमेल प्रेसिडेंट का नाम क्या है जो सिर्फ 1.5 घंटे के लिए ही प्रेसिडेंट बनी थी? और इंडिया पर 150 सालों से भी ज्यादा वक्त तक हुकूमत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेजेंट ओनर का नाम जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, हमारे इंडिया में आपको बड़े बड़े खेत देखने को मिल जाएंगे जहां लोग बड़े स्केल पे खेती करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल के कुछ जगहों में जगह की कमी के कारण लोग दीवारों पर ही खेती करते हैं? जी हाँ, इसे वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है ना, एकदम कमाल का। फैक्ट नंबर 2, गाइस क्या आप जानते हैं कि साल 2020 के आईपीएल के एक मैच में धोनी ने शारजहां स्टेडियम में एक छक्का लगाया था जिसमें बॉल सीधा स्टेडियम के बाहर गिरा था? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह पर वो बॉल गिरा था उस जगह को धोनी सिक्स नाम दिया गया है। जी हाँ, इस जगह को आप गूगल मैप पे भी देख सकते हैं। कमाल है यार। फैक्ट नंबर 3, चाहे इंसान हो या फिर जानवर, दोनों में ही मेल और फीमेल होते हैं। और ये सभी को पता है कि फीमेल सिर्फ बच्चों को पैदा कर सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर ऐसा भी है जो मेल होते हुए भी बच्चों को जन्म दे सकता है? अरे कहना क्या चाहते हो? सी हॉर्स एक ऐसा जानवर है जो मेल होते हुए भी बच्चे पैदा कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं सोबिल स्टॉर्क नाम का एक ऐसा बर्ड है जो ऐसा साउंड निकालता है जिसे सुनकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि आसपास कोई गन चला रहा है? यकीन नहीं होता तो ये क्लिप देख लो, है ना, एकदम गजब। फैक्ट नंबर 5, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने 150 सालों से भी ज्यादा सालों तक हमारे इंडिया में हुकूमत किया था। क्या आप जानते हैं कि आज इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ओनर एक इंडियन ही है? जी हाँ, उस इंडियन का नाम है संजीव मेहता, जो महाराष्ट्र के एक बिजनेसमैन है। और इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को $15 मिलियन यानी कि लगभग 105 करोड़ रुपए में खरीदा था। क्यों हिला डाला ना? इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 6, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गाइस, आपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे डीपी तो लगाया ही होगा, लेकिन क्या आप डीपी का फुल फॉर्म जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। डीपी का फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले पिक्चर। कोई कोई लोग इसे प्रोफाइल पिक्चर भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डीपी ही कहते हैं। तो आज आपने डीपी का फुल फॉर्म भी जान ही लिया। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का नाम है वेरोनिका और ये नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि ये दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है और 100 में से सिर्फ एक ही इस मूवी को पूरा देख पाया है। ऐसी फिल्म को एक बार तो देखना ही चाहिए, लेकिन अपने रिस्क पे ही देखना। क्या आप इस मूवी को देखना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 8, अक्सर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर जाते हैं। ऐसा ही एक काम किया है लुक एकिंस नाम के एक इंसान ने, जब इन्होंने 25,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के ही छलांग लगा दी थी और सक्सेसफुली एक नेट में गिरे थे। लुक का कहना है कि ये स्टंट परफॉर्म करने के लिए उनको 1.5 साल की तैयारी और 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, तब जाकर ये स्टंट कर पाए थे। सच में भाई साहब खतरनाक। फैक्ट नंबर 9, गाइस क्या आप जानते हैं कि जापान में दीवार के आर पार दिखने वाली ट्रांसपेरेंट टॉयलेट्स को बनाया गया है? इस टॉयलेट के बाहर खड़े होकर कोई भी अंदर का नजारा बड़े आराम से देख सकता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इसमें लोग टॉयलेट कैसे करते होंगे? तो इसका जवाब है कि इस टॉयलेट में खास तरह के स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया है। इन ग्लासेस की खासियत ये है कि जब भी कोई इंसान इस टॉयलेट में जाएगा और अंदर से दरवाजा लॉक करेगा तो बाहर से दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, अंदर वाला इंसान बाहर का हर नजारा देख सकता है, लेकिन बाहर का कोई भी अंदर नहीं देख सकता। इन टॉयलेट्स को ट्रांसपेरेंट बनाने का रीजन यही है कि लोग बाहर से ही ये देख सकें कि अंदर कोई नहीं है और ये साफ सुथरा है ना कमाल का। क्या ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स इंडिया में भी होने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 10, अमेरिका के 250 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक फीमेल अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी हो, वो भी सिर्फ 1 घंटे और 25 मिनट के लिए। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कोलोनोस्कोपी के चलते एनेस्थेसिया दिया गया था,
जिसमें वो 1 घंटे और 25 मिनट तक बेहोश रहे। उसी 1 घंटे और 25 मिनट तक प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी सारी पावर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को हैंड ओवर की थी, और इसी तरह से कमला हैरिस अमेरिका की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।